अपनी वीडियो भी हम यहीं पर बका रहे हैं। बंद जो व्लॉगर हैं वो बेस्ट हैं, आप उनका नाम बताएं। थैंक यू भाई भाई। क्या आपको कौन सा व्लॉगर है जो वो ज्यादा पसंद है? मुझे आप क्या दर्द हो रहा है, आपके घर वालों को गाली दे रहा है। पहले बोला ना, फिर झगड़ा करने लग पड़े। ये क्या बात हुई है यार, आप भी नाराज हो गया ये। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल द गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। मुझे पता है कि आप मेरा व्लॉग देख देख के बोर हो चुके हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इसलिए हम इस व्लॉग में करने वाले हैं अपना पूरा व्लॉग ही चेंज, मतलब थोड़ा सा करने वाले हैं इंटरेस्टिंग। चलो चलो चलो। और वो कुछ इस तरह से के मैं इस व्लॉग में आज लोगों से पूछने वाला हूँ कि आपका बेस्ट व्लॉगर कौन है, यानी मैं या फिर माँ सफदर या फिर डकी भाई। साकिब आज के अपना नया दोस्त मिल गया, साकिब हमें भूल गया है। बिस्मिल्ला। और आपको आज हम मिलवाने लगे हैं अपने बहुत अच्छे दोस्त, अपने बड़े भाई से, जिनका नाम है शाहरुख खोखर। इंशाल्लाह आपको हमारे भाई पसंद आएंगे। तो हमारे भाई खड़े हैं वहाँ जी। जुमे वाले दिन इन्हें छुट्टी होती है और सबसे पहला काम जुमा पढ़ के आते हैं अपने भाई को मिलने के लिए। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू ब्रदर? ब्रदर कैसे हो? आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। Finally! अच्छा भाई, तो क्या सीन है, कितना टाइम लगेगा आपको? भाई शाम इधर ही है। यार मिलती है, मतलब मैं ना समझो फिर। शाम इधर है, उसके बाद मैंने उधर चले जाना। उधर किधर? मामे को रात को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नानो के घर है, वो भी गली से नानी ने ना। पैसे तुम किसी ने नहीं देने। मैं पैसों के लिए, मैं स्वाब के लिए गा रहा हूँ। मुफ्ता के लिए ना, मुफ्ता तुम ये पता है ना, बाद में बोतल शो तो बुलाएंगे ना। पेप्सी काका ने है कोई गली ले आओ, मिरिंडा एक और गली ले आओ। अगर आप भी अपनी गली सजवाना चाहते हैं, बदले में एक पेप्सी आपको बुलानी पड़ेगी। और साकू हाजिर है। कंट्रोल फिर ठीक है, हमें इजाजत दें, हम जाए घर जाओ। पानी भरने के लिए मैं आपको बुलाने के लिए आने वाला था, ये मिल गया था मुझे रास्ते में, फिर मैंने इसे उठा लिया। ठीक है, पानी नहीं आया। ठीक है, मैं वैसे भी सोच रहा था आपने यारह रबी लेवल वाले दिन गली से जाते हैं तो मुश्किल ही है, थोड़ा सा टाइम निकले। देखे मैंने आपको बताया था है कुछ भी नहीं करने, इसने बैठ के कहना ये वाला काम नहीं सही हुआ हुआ, ये वाला सही नहीं हुआ हुआ, वो काम या वो कर रहे हैं बंदे। ठीक है, इसने इधर बैठ के पास ठेकेदार बना हुआ है। ठीक है साकिब साहब, खुदा हाफिज। कोई नहीं, अल्लाह अल्लाह सुन दे वाले, असि चलने हैं घर। The next day. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपना ये व्लॉग करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और वो इस तरह से कि आज हम पूछने वाले हैं कि डकी भाई वर्सेस माँ सफदर, बंदों को कौन सा व्लॉगर जो ज्यादा पसंद है। और अभी मेरे सामने खड़े हैं अब्दुल्ला, साकिब और फुरकान। वैसे साकिब के पास फोन ही नहीं है, वो इतने ज्यादा व्लॉग नहीं देखता। बहुत तेज हो रहा है। ठीक है, कभी बार भाई का हाथ लग जाए तो देख लेते हैं। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। किससे मुझे सुनाते रहते हैं इनकी बातें, सुन सुन के भी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो वैसे ना ये मुकाबला चाहिए था अब्दुल्ला और फाद होते तो तब इनका सुनने में भी मज़ा आता, लेकिन साकिब इधर खड़े हैं, साकिब साकिब साहब और ये अब्दुल्ला भाई खड़े हैं। ठीक है, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं, शायद कुछ मज़े की बातें बता दें और पता चल जाएगा ये किन किन के फैन हैं। भाई आप इधर आके कैमरा पकड़ लें और हम आज इनसे जरा पूछने वाले हैं। क्या पूछने जाते हैं आपको बताते हैं, एक मिनट वेट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माइक में जवाब देने, माइक में जवाब। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं भाई जान आप? आज का हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हम आज पूछ रहे हैं डकी भाई वर्सेस माज सफदर। तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि आपको कौन सा व्लॉगर है जो वो ज्यादा पसंद है? मुझे माज सफदर। Okay.
क्यों आपको उसमें क्या ऐसा कोई नजर आता है कि आपको माँ सफदर ज्यादा पसंद है? नहीं, मैंने देखा उसका व्लॉग, बहुत अच्छा होता है, फैमिली वाला होता है, मैंने बहुत लाइक किया उसको, तो इस वजह से। नहीं, ये बात हम भी मानते हैं कि उसके व्लॉग्स अच्छे होते हैं, ठीक है, बंदा फैमिली में बैठ के भी उसके व्लॉग्स देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई उसकी बात अच्छी लगती हो? मैंने उसका व्लॉग देखा, कोई गालिम गलौज नहीं होती, बहुत अच्छा होता है। मैंने डकी भाई का एक व्लॉग देखा, वो बीच बीच में जो कर जाता है ना, सनी टिकटॉक स्टार सेलिब्रिटी एलेक्स भट्टी की मार। चले जाइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपके कौन से जो व्लॉगर हैं वो बेस्ट हैं, आप उनका नाम बताएं। डकी भाई, भाई डकी भाई पुआरे हैं। नहीं क्यों, तो वो भाई जैसे कि कह रहे हैं कि वो बीच बीच में से। ओ वो भाई पागल है, उनको किसने बोला फैमिली में बैठ के देखे व्लॉग? फैमिली में बैठ, फैमिली के बगैर देखे ना, अकेले रखे हैं और खुद नहीं। बात देखे उनकी भी ठीक है, जो माँ सफदर का व्लॉग है, बंदा अगर फैमिली में भी बैठा है तो वो उनके व्लॉग देख सकता है। जो डकी भाई है वो फिर कर जाते हैं। नहीं नहीं, फैमिली में आप लाजमी बैठ के देखना, ऐसे भी तो आप VPN समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप लाद देखे खुश हो जाता बंदा, हंसने लग पड़ता है मतलब। अरे कहना क्या चाहते हो? परेशान हो, आप क्या कहने जाएंगे? माजद देखे वो जीत रहा है इस टाइम डकी भाई से। मैं सही बात है, शरीफ इंसान वो नहीं देख सकता। ये क्या कह रहे हैं शरीफ साहब, मतलब कि डकी क्या शरीफ नहीं है? नहीं, नहीं वैसे नहीं। मैं व्लॉग्स देखता हूँ डकी भाई के, इतने भी बुरे नहीं होते कि बंदा गाली गलौज शुरू ही हो जाता है आज तक कभी कभी। भाई ऐसे कह रहे हैं जैसे खुद कभी नहीं की। हाँ जी, ये तो बात देखें जी, गाली गलौज आजकल आम हो चुकी है, हर बच्चा, इसे भी बच्चे को भी गालियाँ आती होंगी, ये तो बात नहीं है। तुमसे ना हो पाएगा ये तो फिर मैं क्या कह देता हूँ, मैं जीत रहा हूँ ना। माँ सफदर आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, माँ सफदर आप जाके देख ले, बहुत अच्छा है माँ सफदर, अच्छा तो है, अच्छा हम मानते अच्छा है तो। नहीं तो हम फिर डकी भाई को जो है विनर ही समझे माँ सफदर के मुकाबले में। जबान लगाम दे रहा है मेरे भाई, मेरी बात सुने, अगर हम माँ सफदर को देखें हम ये कह सकते हैं कि भाई आप बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, तो अगर हम डकी भाई को देखें तो हम ये क्या कहते हैं कि आप बहुत अच्छी गालियाँ निकालते हैं, हम आपकी गालियों को फॉलो करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। देखिए ये बात है, गालियाँ तो वो लोगों में निकालता है, इसके यहाँ इसके घर वालों को गालियाँ दे रहे हो। बात सुने, आप घर वालों तक ना पहुँचे भैया, आपको क्या दर्द हो रहा है? आपके घर वालों को गाली दे रहा हूँ, पहले बोला ना। नहीं नहीं, बात सुने, इधर की बात है, आप नहीं पाने आराम से मुंह से बात करें। नहीं आप गलत बात कर रहे हैं, घर वालों तक ना जाए तो घर वालों को आपको फिर इतना क्यों दर्द हो रहा है? ओए जाओ यार, ठीक है बस बहुत हो गया है यार, अब बदतमीजी कर रहे हो अब्दुल्ला। आप यार मैंने बदतमीजी की है वो बस, ठीक है बात को छोड़ो, खत्म करो बात को, ठीक है भाई आप जाएं। ठीक है तो जी, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक दो लड़कों से पूछा है और वो आपस में लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए। अगर एक दो मोहल्लों में और सामने आ गए तो एक दूसरे का सर खोल देंगे। अब्दुल्ला भाई वैसे आपने गलत किया, आपका ऐसे नहीं था करना चाहिए, जो भी है ठीक है। यार वो डकी भाई के बारे में उल्टी सीधी बातें कर दिया, फिर मुझे गुस्सा आया तो बस निकल गया मुँह से, तो वो आप झगड़ा करने लग पड़े, ये क्या बात हुई है यार। छोड़ो यार मैं जा रूँगा। आप भी नाराज हो गया, ये इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं नहीं जी, ये कंटेंट इधर ही खत्म कर रही है। वो साकी भी नाराज होकर घर चला गया और अब्दुल्ला भाई भी जा रहे हैं, ठीक है अब्दुल्ला भाई भी जा रहे हैं अपने घर, तो मेरे ख्याल से ये वाला कंटेंट ही हम आगे चला रहे, इधर ही बंद कर देते हैं। तो अपनी वीडियो भी हम यहीं पर बका रहे हैं, बंद अपना बहुत सारा याद रखिएगा। तो शायद अगर हमने जो कंटेंट थोड़ा सा चेंज किया है आपको पसंद आया, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। करना है शेयर कमेंट।
खुदा हाफिज़। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके। मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ए डीजे गाना बजा।